कैसे हैं आप? दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड हु वाज बोर्न ऑन 19th of May 1934। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अनिल जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, एंड हरी सिंह एक चोर है और जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। हरी सिंह बताते हैं कि व्हेन ही मेट अनिल ही वाज स्टिल अ थीव, दो एट द एज ऑफ 15 ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो कहते हैं कि हालांकि मेरी उम्र 15 साल की ही थी लेकिन मैं अनुभवी और एक सफल चोर था। When I met Anil was watching wrestling match. I thought that he is the best man for my purpose. I applied a little flattery, believing that a little flattery helps in making friends. मैंने ये विश्वास था मुझे कि थोड़ी चापलूसी जो होती है वो दोस्ती करने में सहायक होती है, इसीलिए मैंने अनिल से कहा, You look like a wrestler. He replied, So do you. This put me off for a moment because at that time I was a rather thin. इस बात ने मुझे थोड़ा क्षण के लिए आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उस समय मैं बहुत ही दुबला था, क्योंकि मैं बिल्कुल पहलवान जैसा नहीं दिखता था। फिर अनिल ने मुझसे मेरा नाम पूछा, हरी सिंह। मैंने बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है। एवरी मंथ आई टुक अ न्यू नेम टू एस्केप फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड द पुलिस। हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था अपना, अपने पुराने जो हमारे पहले के जो नौकरी देने वाले लोग थे और पुलिस से बचने के लिए। मैंने अनिल को हरी सिंह नाम बता दिया जो कि एक झूठा नाम था। अनिल और मैंने फिर बेल और रेसलर्स के बारे में बात की, हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल वॉक्ड अवे। इस परिचय के बाद अनिल वहाँ से चल दिया और मैं भी उसके पीछे चल दिया। फिर अनिल ने कहा, हेलो अगेन, मतलब फिर आप मिल गए। तब मैंने उसे कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, बट ही रिप्लाई दैट ही इज़ अनेबल टू पे मी। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ तो अनिल ने कहा, लेकिन नहीं, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट दैट आई हैड मिसजस्ड अ मैन, बट आई आस्क इफ ही कुड फीड मी। He made a crass question. If you can cook, I can feed you. अब अनिल ने कहा कि जब उसने कहा कि मैं पैसा आपको नहीं दे सकता तो मुझे लगा एक क्षण के लिए क्या मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया, लेकिन फिर मैंने अनिल से पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने कहा, क्या आप खाना बना सकते हो? तो मैंने दोबारा झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं बना सकता हूँ। फिर अनिल मुझे लेके जाता है अपने घर पे, दैट वॉज ओवर जुमना स्वीट शॉप, एंड ही टोल्ड मी टू स्लीप ऑन द बालकनी। उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। दैट नाइट द मील आई कुक्ड दैट मस्ट हैव बीन वेरी टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्टे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। वो भोजन बहुत ही बुरा उस रात रहा होगा क्योंकि जो भोजन मैंने बनाया था उसने उस सारे भोजन को अनिल ने एक कुत्ते को डाल दिया और मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। आई हंग अराउंड देयर स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड अनिल कुडंट हेल्प लाफिंग। अनिल बिना हंसे नहीं रह सका। आफ्टर दैट अनिल पैटेड माई हेड एंड टोल्ड दैट ही वुड टीच मी ईच एंड एवरीथिंग। ही वुड टीच मी हाउ टू कुक फूड, he taught me how to write name, and he told me that he would teach me to write whole sentences and add numbers. उसके बाद में अनिल ने मेरा सिर थपथपाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाया जाता है, और उसने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पूरी पूरी सेंटेंस कैसे लिखनी है और नंबर कैसे जोड़े जाते हैं। उसके बाद अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, और मैं सुबह चाय बनाया करता था, एंड आफ्टर मेकिंग टी एंड
serving him, I would go for buying day supplies, and by this way I made a profit of a rupee a day. इस तरीके से मैं सुबह चाय बनाता था, अनिल को देता था, उसके बाद मैं दिन की ज़रूरतें की चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाता था, जिस तरीके से मैं एक रुपए का लगभग रोज़ प्रॉफिट कमा लेता था. आई थॉट दैट अनिल न्यू अबाउट इट बट ही नेवर सोल्ड इट. मुझे लगा कि अनिल को इस बारे में पता था, लेकिन अनिल ने कभी इस बात को दर्शाया नहीं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. I thought that he wrote for a magazine, that was very strange way to earn a living. कि मुझे लगा कि अनिल जो है वो मैगज़ीन के लिए लिखता था और वो एक विचित्र तरीका था पैसे कमाने का. He wrote for a week and lent the next. वो एक समय में उधार ले लेता था तो दूसरे सप्ताह वो चुका भी देता था. He always kept on worrying about his next check, and as soon as he got his check, he went out and celebrate. और जब वो उसको पैसा मिल जाता था, वो चेक मिल जाती थी, तो वो बाहर चला जाता था और celebrate करता था. One evening he came home with a small bundle of notes, and he told me that he had sold his book to a publisher. And he put that money under the mattress. एक रात वो शाम में आता है और शाम में एक छोटी से मतलब छोटी सी गड्डी नोटों की लेकर आता है और वो मुझे बताता है कि उसने अपना जो एक किताब थी उसने एक पब्लिशर को बेच दी है और वो नोटों की छोटी गड्डी गद्दे के नीचे रख देता है. रात में मैं जब सोकर उठता हूँ तो मैं एक प्लान बनाता हूँ कि अनिल जो है ये पैसा अगर मैं नहीं लेता हूँ, और मैं वैसे भी अपनी प्रैक्टिस से बाहर हूँ, मैंने कई अभ्यास नहीं किया, मेरा अभ्यास छूटा हुआ है, क्योंकि आई डिड नॉट डू एनी वर्क ऑफ माय ओन लाइन, कि मैंने अपनी लाइन का अपनी चोरी का कोई भी काम नहीं किया, और अगर ये पैसा मैं नहीं लेता हूँ तो अनिल ये पैसा ले जाके अपने दोस्तों के खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा. आई सैट अप ऑन द फ्लोर एंड थॉट फॉर अ प्लान दैट इफ आई गेट द मनी आई वुड बी एबल टू गेट द 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस. मैंने ऐसा सोचा. आई केप्ट टू द बेड. मैं बेड के पास गया. आई टुक द मनी आउट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस. कि मैं घर के बाहर गया एंड बिगन टू रन, दौड़ने लगा. आफ्टर दैट आई काउंटेड द मनी. व्हेन आई काउंटेड द मनी आई फाउंड दैट दिस अमाउंट वाज 600 रुपीज़ इन 50s. कि जब मैंने पैसा गिना तो मुझे पता चला कि ये जो 600 रुपए थे और 600 रुपए 50-50 के नोटों में थे. I reached the station, but I did not stop at the ticket window because in my life I never bought a ticket. I just went straight to the platform. Lucknow Express was to get its speed. I should have been able to jump into one of the carriages. But I did not. Why? I can't explain. उन्होंने कहा कि मैं जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी वो अपनी स्पीड पकड़ने ही वाली थी और मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था और मैं किसी भी एक जो कैरियर था जो उसका एक डिब्बा था उसमें मैं जाकर बैठ सकता था, लेकिन मैं नहीं बैठा. पता नहीं क्यों, इस बारे में मैं नहीं बता सकता. आफ्टर फ्यू मिनट्स आई वॉज at the platform, and it was a deserted platform. No one was there. I began to move towards the bazaar, and through the bazaar I went to the maidan. Aur bazaar se hokar ke main maidan mein pahuncha. It was the
winter night, and this was the early November month, and I felt some chill, I felt some cold, but it started drizzling and quite a heavy rain fell down. जब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में एक तेज़ बारिश होती है, और तेज़ बारिश से क्या होता है, मेरे सारे कपड़े भीग जाते हैं, और मैं फिर वापस बाज़ार में आता हूँ एंड sat under the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. जब उसके साम क्लॉक टावर में आता हूँ, बैठता हूँ, तो क्लॉक टावर की क्लॉक में देखता हूँ तो लगभग आधी रात हो चुकी होती है. देन आई थॉट, तब मैंने सोचा कि मैंने अपने छोटे से चोरी के करियर में लोगों के चेहरों को पढ़ा है. मैंने कहा कि जो ग्रीडी मैन होता है, व्हेन समथिंग इज स्टोलन, समथिंग इज रॉब्ड ऑफ अ ग्रीडी मैन, ही शुड फियर. Of the rich man, he showed anger. Of the poor man, he showed acceptance. But whenever Anil would know that he had been robbed, he would show the touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो मैंने कहा कि अनिल जो है, अनिल को जब पता चलेगा कि उसका पैसा लूटा जा चुका है, उसे लूटा जा चुका है, तो उसको दुख तो होगा, लेकिन वो दुख उसके पैसे जाने के लिए नहीं होगा, उसका अपना विश्वास जो टूटता है उसके लिए उसे दुख होगा. फिर मैं बैठकर सोचता रहा और मैंने सोचा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जहां पर मैं रुक सकता हूं, और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया, और मैंने देखा कि जो नोट थे वो भीगे हुए थे, और मैंने सोचा कि वो पैसा जो शायद अनिल मुझे कल 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन आज वो अभी वो सारे के सारे पैसे मेरे पास हैं. आई फेल्ट गिल्टी बिकॉज आई थॉट अबाउट द होल सेंटेंसेस. आई थॉट दैट ही टोल्ड मी टू टीच हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस. उसने मुझे बताया था कि वो पूरी पूरी सेंटेंस कैसे लिखी जाती हैं वो मुझे बताएगा. एंड आई थॉट वेन एवर आई विल बी एबल टू राइट द होल सेंटेंस लाइक एन एजुकेटेड मैन, दिस वुड बी नो लिमिट ऑफ माय अचीवमेंट. सो आई थॉट एंड सेड टू मायसेल्फ दैट आई शुड गो बैक टू अनिल. वेन एवर आई रीच द हाउस, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई बेंट टू द बेड, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड एंड ट्राई टू पुट द मनी अंडर द मैट्रेस. आई फेल्ट दैट इट वॉज वेरी इजी टू स्टील समथिंग, बट इट वॉज टू मच डिफिकल्ट टू पुट द thing without known, to put the thing undetected. That morning I awoke late and was awakened earlier, and he made tea already. I stretched his hand towards me and there was a 50 rupee note in his fingers. And he said to me that now, today onward, you will be paid. And that day, I smiled in my most appealing way, but that was not a false smile. I hope you got the whole chapter well, but still, if you have any confusion, you can write me in the comment box and I'll try to answer your questions. Thank you.